नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार का नवादा जिला इन दिनों देश के मानचित्र पर साइबर अपराध के मामले में तेजी से उभर कर नंबर 1 पर आ गया है। आए दिन यहाँ किसी न किसी राज्य की पुलिस आकर साइबर अपराधी की तलाशी में दिखाई देते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला है आज नवादा जिला में देखने को मिला। इस बार महाराष्ट्र औरंगाबाद से पुलिस नवादा जिला के वारिस अलीगंज से एक साइबर गट गिरोह का सरगना नीतीश कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साइबर अपराधी नीतीश कुमार पर औरंगाबाद के एक व्यक्ति से पेट्रोल पंप दिलवाने के नाम पर 65 लाख रुपए ठग लेने का आरोप है। औरंगाबाद जिला में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस की मदद से वारिस अलीगंज के गांव में छापा मारा और वहां से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। वही न्यायालय के आदेश के बाद कस्टडी में लेने के बाद महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान कर लिया गया है। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल चव्हाण, साइबर पुलिस थाना औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र से आए थे। हमारे यहाँ पे 65 लाख के फ्रॉड का FIR दर्ज हुई थी। उसमें पेट्रोल पंप देने का झांसा दे के कंप्लेनेंट से 65 लाख रुपए लिया गया था। उसका जो मास्टरमाइंड है नीतीश कुमार करके, उसकी गिरफ्तारी हमने कल यहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प से नवादा शहर की SP मैडम के निगरानी में उसको अरेस्ट करके यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके जा रहे हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले से इसका? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है ना, इसके खिलाफ अलग अलग राज्य में FIR दाखिल है और उसमें भी इसको लिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। और इनके साथ ग्रुप में कोई सदस्य हैं क्या? अभी वो जानकारी में पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अगर मिलता है तो फिर से आके उनके साथीदारों को लिया जाएगा। सर, ये कहाँ का मामला है? हाँ, ये मामला कहाँ का है, किस जगह का है? ये मामला औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र से, वहाँ पे दर्ज है। नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।